नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी पंत और आप देख रही हैं द हिंदू जोन। आईएएस ऑफिसर बनना लाखों भारतीयों का सपना होता है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही ये सपना सच हो पाता है। और ये चुनिंदा एस्पिरेंट्स होते हैं हाईली डेडिकेटेड यूपीएससी कैंडिडेट्स। क्या आप जानते हैं, जिस पोस्ट को लेकर ऑल ओवर इंडिया में इतना क्रेज और कंपटीशन है, उसके मिल जाने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? यूपीएससी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद कैंडिडेट्स अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आईएएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस पोस्ट में सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन हमेशा से सबसे ज्यादा चर्चा में आईएएस ऑफिसर ही रहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल और हाई पोस्ट है। सरकार की ओर से आईएएस अधिकारियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जो अन्य सरकारी विभागों के कंपैरिजन में काफी लग्जरियस होती हैं। आइए जानते हैं सभी फैसिलिटीज के बारे में। सैलरी से शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि आईएएस ऑफिसर की 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 56,100 मंथली सैलरी होती है। इसके अलावा किसी आईएएस ऑफिसर को डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और यात्रा भत्ता समेत कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो आईएएस में सबसे सीनियर पोस्ट यानी कैबिनेट सचिव को लगभग 2.5 लाख पर मंथ सैलरी और कई भत्ते दिए जाते हैं। प्रमोशन और रैंक बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। चलिए जानें आखिर आईएएस ऑफिसर रहते कहाँ हैं। आईएएस ऑफिसर्स को सब्सिडी घर, सरकारी आवास मिलता है। आईएएस ऑफिसर राज्य की राजधानी के प्रतिबंधित इलाके में डुप्लेक्स घर पा सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस से आईएएस ऑफिसर और उनकी फैमिली को हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही घरेलू कर्मचारियों में आईएएस अधिकारियों को कुक, सर्वेंट, गार्डनर और सिक्योरिटी गार्ड जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। बिल सब्सिडी में आईएएस ऑफिसर को पानी, बिजली, गैस और फोन कनेक्शन पर काफी रियायत मिलती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में आईएएस ऑफिसर्स को ऑफिशियल वर्क के लिए ड्राइवर के साथ एक से ज्यादा व्हीकल दिए जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवल फैसिलिटी में आईएएस ऑफिसर को ऑफिशियल और अनऑफिशियल ट्रैवल्स के लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, बंगलो या रेस्ट हाउस में कंसेशन दिया जाता है। अगर पेंशन की बात करें तो पहले आईएएस अधिकारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उन्हें नई पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आईएएस अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन पेंशन मिलती है। इसके अलावा ऑफिसर अन्य रिटायरमेंट लाभों का भी आनंद उठा सकते हैं। इन अधिकारियों को कमीशन और ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये थी वो फाइनेस्ट लग्जरियस फैसिलिटीज जो एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपको मिलती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और द हिंदू जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।